arise, awake and stop not until the goal is reached. This is one of the most inspirational quote by Swami Vivekananda, जो हमें inspire करता है अपनी life में आगे बढ़ने के लिए, जो हमें motivate करता है अपने goal तक पहुँचने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए। अभी कुछ दिनों पहले मैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ छोटे छोटे कोट्स पढ़ रहा था और उनको पढ़ते टाइम मैंने सोचा कि ये जो छोटे छोटे कोट्स है तो छोटे बट इनमें मैसेज बहुत बड़ा छुपा हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि जिस इंसान के द्वारा लिखे गए छोटे छोटे कोट्स में इतने बड़े बड़े मैसेज, इतनी बड़ी बड़ी लर्निंग्स छुपी हुई हैं, तो उस इंसान की जिंदगी के बारे में अगर पढ़ा जाए तो हमें कितनी ज्यादा इंस्पिरेशन मिल सकती है, कितनी ज्यादा लर्निंग्स मिल सकती है, कितना ज्यादा मोटिवेशन मिल सकता है। तो इसी उम्मीद में, उसी लर्निंग्स के लिए, उन्हीं मोटिवेशन के लिए, उसी इंस्पिरेशन को पाने के लिए मैंने स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी के बारे में पढ़ना शुरू किया। और उनकी जिंदगी के बारे में पढ़ने के बाद मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली, इतनी लर्निंग्स मिली और इतनी मोटिवेशन मिली कि आज इस वीडियो के माध्यम से वो इंस्पिरेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि वो इंस्पिरेशन कुछ ऐसी है, स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी कुछ इस तरह से रही है कि उनकी जिंदगी के बारे में अगर आप जानेंगे तो वो सिर्फ मेरी या आपकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने की हिम्मत रखती है, पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती हैं स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही हुई कुछ बातें, उनके जीवन के कुछ रूल्स, उनके जीवन को जीने का तरीका अगर आज हम लोग अपना लें तो वो हमारी जिंदगी को भी बदल सकते हैं और उनको अपना के हम इस पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में वो बातें शेयर करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल Synonym Solutions में। दिस इज आकाश गुप्ता, अ लाइफ स्किल ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। स्वामी विवेकानंद जी आज भी इस पूरे दुनिया में कई सारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उनके द्वारा कही हुई बातें लोगों के दिलों और दिमाग को जीत लिया करती थी और आज मैं उम्मीद करता हूं कि उनके जीवन की कुछ बातें आप लोगों के दिल और दिमाग को भी जीत ले, क्योंकि इन बातों ने मेरे दिल और दिमाग को तो जीत लिया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहूंगा स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से चार बातें, जिनको मैं अपनी लाइफ में भी फॉलो करता हूं और जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद में मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात जो स्वामी विवेकानंद जी की मुझे बहुत अच्छी लगी, दैट इज कंपैशनेट हार्ट। इवन इन द लॉक्ड रूम ही वांट्स टू हेल्प द पीपल, ही वांट्स टू हेल्प द वर्ल्ड, ही वांट्स टू हेल्प द सोसाइटी। एक बंद कमरे में भी उनकी ऐसी सोच होती थी कि वो इस दुनिया के लिए कुछ करे, इस समाज के लिए कुछ करे, इस समाज के लोगों के लिए कुछ करे, जिन लोगों को उनकी जरूरत है वो उनके लिए अपने आप को समर्पित कर दे। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक कमरे में बंद थे और उस कमरे में बंद होकर वो इतने बेचैन थे। बेचैन इसलिए नहीं थे कि वो कमरे में बंद थे, वो बेचैन इसलिए थे क्योंकि वो उस दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस कमरे में बंद होने के बाद वो बस हमेशा ये सोच रहे थे कि इस बंद कमरे में भी मैं कैसे किसी की मदद कर सकता हूं। तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बाहर कुछ लोग जा रहे हैं जो थोड़े गरीब है, जिनको शायद खाने की आवश्यकता है, जिनको शायद कपड़ों की आवश्यकता है। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस बंद कमरे से, अपने इस विंडो से इन लोगों की हेल्प कर दूं। उन्होंने अपने इस विंडो से उन लोगों को आवाज देके अपने पास बुलाया और उन लोगों के लिए उस विंडो से कुछ खाना पार्सल किया, उस विंडो से उन लोगों के लिए कुछ कपड़े पार्सल किए और इस तरह से उन्होंने उन लोगों की हेल्प की, मदद की। तो एक ऐसा इंसान जो बंद कमरे में भी बाहर की दुनिया के बारे में सोच रहा है कि कैसे मैं इस बंद कमरे से भी बाहर की दुनिया के लोगों के लिए कुछ कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं, उनको हेल्प कर सकूं, अपना ये जीवन उनके काम में ला सकूं। तो पहली ये चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से, और मैं चाहता हूं कि हम सभी का हृदय भी स्वामी विवेकानंद जी के हृदय की तरह कंपैशनेट हो जाए। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको हमारी जरूरत है, जिनकी हम हेल्प कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। द सेकंड लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, दैट इज फियरलेसनेस। वो बिल्कुल निडर थे, कभी भी किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे, वो लोगों की कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करते थे जब तक वो उसको अपनी आंखों से देख ना ले, अपने कानों से सुन ना ले, उसको फील ना कर ले, वो किसी की कही हुई बातों में नहीं आते थे। 8 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद अपने एक दोस्त के घर जाया करते थे जहां पे एक पेड़ हुआ करता था, जिस पेड़ के ऊपर चढ़ के वो खेला करते थे। तो एक दिन उनके दोस्त के दादाजी ने उन्हें देखा कि ये छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, कहीं गिर ना जाए, इसको चोट ना लग जाए। तो उनको उस पेड़ पे चढ़ने से रोकने के लिए उनके दोस्त के दादाजी ने कहा कि तुम इस पेड़ पे मत चढ़ा करो, क्योंकि इस पेड़ में एक बहुत ही खतरनाक भूत रहता है, वो भूत तुम्हें मार देगा, तुम्हारी आत्महत्या कर देगा और तुम अपने इस जीवन को खो बैठोगे, इसलिए तुम इस पेड़ पे मत चढ़ा करो, इस पेड़ के ऊपर मत खेला करो। उनके दादाजी की इस बात को सुनके उनके जितने भी दोस्त थे उन सब ने पेड़ पे चढ़ना बंद कर दिया, बट स्वामी विवेकानंद जी ने पेड़ पे चढ़ना बंद नहीं किया। वो अगले दिन गए और उस पेड़ पे दोबारा चढ़े।
तो उनके दोस्तों ने उनसे पूछा कि कल दादाजी ने एक बात कही थी कि इस पेड़ के ऊपर एक भूत रहता है जो तुम्हें मार देगा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता उस भूत से, तुम इस पेड़ में फिर भी चढ़ रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं कभी भी किसी की कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं अंधविश्वास पे कभी भी विश्वास नहीं करता, मैं देखना चाहता हूं कि इस पेड़ पे कौन सा भूत है, मैं देखना चाहता हूं उस भूत के अंदर कितनी ताकत है जो मुझे मार सकता है। तो एक 8 साल का बच्चा, अगर हम 8 साल की उम्र में आज के टाइम पे किसी बच्चे को इतनी बड़ी बात बोल देते हैं कि यहां मत जाना यहां पे भूत है, तो शायद वो बच्चा दोबारा कोशिश ना करे। पर उस उम्र में, उस टाइम में स्वामी विवेकानंद जी इतने निडर थे कि उनको किसी चीज से डर नहीं लगता था, और ये फियरलेसनेस उनकी 8 साल की उम्र में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी, जितनी जिंदगी उन्होंने जी पूरी जिंदगी उनके साथ ये फियरलेसनेस थी। तो हमें भी अपने इस फियरलेसनेस एटीट्यूड को मेंटेन करना चाहिए, हमें भी लोगों की अंधविश्वासों में, कही हुई बातों में जल्दी से नहीं आना चाहिए जब तक कि हम लोग उसको अपनी लाइफ में खुद ऑब्जर्व ना कर लें। द थर्ड लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, जिसको अगर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ले तो शायद हमारी जिंदगी को बहुत ही बड़े तरीके से बदल सकता है। तो स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी से एक साथ बहुत सारी पुस्तकें ले जाया करते थे, 50 पुस्तकें, 60 पुस्तकें, 70, 80, 100 पुस्तकें वो एक बार में ले जाया करते थे, और कुछ ही हफ्तों में उन पुस्तकों को वापस लाइब्रेरी में आके जमा कर दिया करते थे। तो ऐसा एक साल तक लगातार चलता रहा। जो लाइब्रेरियन था उसने एक उनसे एक दिन रुका नहीं गया, और उन्होंने एक दिन स्वामी विवेकानंद जी को रुक के पूछ ही लिया कि तुम एक बार में यहां से 50, 60, 70 बुकें ले जाते हो और लाके 2-3 हफ्ते में वापस कर देते हो, तुम इन बुकों का करते क्या हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें रिप्लाई दिया कि मैं इन बुक्स को पढ़ता हूं। तो लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान 2-4 हफ्तों में इतनी सारी बुक्स को कैसे पढ़ सकता है। तो उन्होंने जो बुक्स वापस लेके आए थे उनमें बीच में से एक बुक निकाली और उस बुक में से एक प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी से पूछा। और मजेदार बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न पूछने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उस प्रश्न का एकदम सही उत्तर उन लाइब्रेरियन को दिया। तो यहां से एक चीज पता लगती है कि स्वामी विवेकानंद जी रीडिंग के लिए कितने ज्यादा पैशनेट थे, वो नॉलेज के लिए कितने ज्यादा पैशनेट थे, वो अपने आप को हमेशा नॉलेज से फिल रखते थे, हमेशा अपडेटेड रखते थे कुछ ना कुछ नॉलेज से। तो हमें भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह एक ग्रेट रीडर बनने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान की नॉलेज ही इंसान को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ाती है। The fourth and the last lesson from the life of स्वामी विवेकानंद, that is focused mindset. वो अपने लक्ष्य को लेके हमेशा फोकस्ड रहते थे, उन्हें जो करना है वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे और उस चीज को करते रहते थे। इसके लिए मैं आपके साथ उनकी रियल लाइफ से एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी ऐसे स्ट्रीट पे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के नदी किनारे खड़े होके नदी में एक्स के छिलके के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट काफी देर हो गई है, वो लड़के उस एक्स के छिलके के ऊपर निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी उनके पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं? तो वो लड़के बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आप एक बार कोशिश कर सकते हैं, हम तो काफी देर से इन पे निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट हमारा निशाना सफल नहीं हो पा रहा है। तो स्वामी विवेकानंद जी निशाना लगाने की कोशिश करते हैं और पहली बार में ही अपने लक्ष्य को हिट कर देते हैं, अपने लक्ष्य पे निशाना लगा देते हैं। वो सारे लोग आश्चर्यचकित होकर स्वामी जी को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे आपने ये कर दिया, कैसे आपने इतनी आसानी से पहली ही बार में इन छिलकों के ऊपर निशाना लगा दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी उन्हें बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपनी एनर्जी उसी लक्ष्य के ऊपर लगा के रखिए। जहां पे भी आपने अपने माइंड, बॉडी और अपनी एनर्जी को थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट किया, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और आप अपने लक्ष्य के ऊपर निशाना नहीं लगा पाएंगे। जिंदगी में किसी लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं है अगर आपका बॉडी, आपका माइंड और आपकी एनर्जी आपने पूरी उस लक्ष्य के ऊपर रखी हुई है। तो ये 4 बातें जो स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जिनको मैं एक बार शॉर्ट में फिर से दोहराना चाहूंगा। द फर्स्ट इज कंपैशनेट हर्ट, वो लॉक्ड रूम में भी लोगों की हेल्प करना चाहते थे। सेकंड इज फियरलेसनेस, वो कभी भी किसी की बातों पे अंधविश्वास में नहीं पड़ते थे। द सेकंड थर्ड इज अ ग्रेट रीडर, वो बहुत ही महान रीडर थे और हमेशा नॉलेज लेने की कोशिश करा करते थे। एंड द फोर्थ इज फोकस्ड माइंडसेट, वो जो भी करते थे उसको फोकस्ड होकर करते थे, अपने आप को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे। तो ये बातें हमें भी स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी से सीखनी चाहिए, क्योंकि ये बातें हमारी जिंदगी को भी चेंज कर सकती है, हमारी जिंदगी को बहुत बड़े तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से बदल सकती है।
इसमें कोई शक नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी आज भी पूरे विश्व में करोड़ों युवाओं के आदर्श हैं, करोड़ों युवाओं के आइडल हैं, और उनको आदर्श मानने वाला, उनको आइडल मानने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल जरूर होता है। उनका युवाओं के लिए मानना था कि युवा एक्सटर्नल प्रोग्रेस से ज्यादा इंटरनल प्रोग्रेस पे फोकस करे। आज का युवा 10 डायरेक्शंस में ना जाके किसी एक लक्ष्य के ऊपर अपनी पूरी एनर्जी को, अपने पूरे फोकस को लगाए। क्या आप भी स्वामी विवेकानंद जी के उन युवाओं में से एक युवा हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी हो, जो समस्या का समाधान निकालता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है। स्वामी विवेकानंद जी अपने लक्ष्य में कहा करते थे कि उनका लक्ष्य ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जिनका शरीर लोहे का हो, मांसपेशियां फौलादी, जिनके हृदय में सिंह का साहस हो और मन में पवित्रता और श्रद्धा की आग, जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था और दीन दुखों के प्रति करुणा हो। और मुझे भी लगता है कि आज इस देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है। आज इस देश को स्वामी विवेकानंद जी के उस लक्ष्य को पूरा करने की जरूरत है, स्वामी विवेकानंद जी के सपने को पूरा करने की जरूरत है, ऐसे युवाओं का निर्माण करने की जरूरत है जो स्वामी विवेकानंद जी हमेशा चाहते थे। उम्मीद करता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी की कुछ ये बातें आपको पसंद आई होगी और इन बातों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ को और इस सोसाइटी को एक नए मुकाम पे पॉजिटिविटी के साथ लेके जाएंगे। सो आई वांट टू एंड माय वीडियो विद द सेम थॉट एज आई हैव स्टार्टेड। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो और लड़ो, तब तक अपने लक्ष्य को पाना लो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड विद सिनोनिम सॉल्यूशंस। थैंक यू सो much. Yeah.